हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 10 12 क्लास की एग्जाम होंगे या नहीं, इसी के लिए बैठक हुई थी पीएम मोदी के साथ। यहां पे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी, क्या कुछ बातचीत हुए हैं अभी आपको बताने वाला हूं। जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिएगा। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम न्यूज़। यहां पे जो क्लास 10th की स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करवा दिए जाएंगे और क्लास 12th की जो एक बोर्ड एग्जाम है उसे पोस्टपोन करवा दिए जाएंगे। यही डिसीजन लिए गए हैं आफ्टर मीटिंग के बाद। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारे ये मीटिंग के बाद हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी और एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल जी ने ये डिसाइड किया है कि क्लास 12 की जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे और जो क्लास 10 की एग्जाम है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और जो क्लास 10 के स्टूडेंट है उसे किस बेसिस पे पास करवाई जाएंगे, जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए थे आप सभी की उसके बेसिस में आप सभी को पास करेंगे यहाँ पर। और जो क्लास 12 की जो पोस्टपोन हुए हैं इसके बाद अभी की जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, रेगुलर जो है वो केसेस आ रहे हैं कोरोना की, तो इस वजह से हर एक स्टूडेंट की मन की डिमांड और उसके पेरेंट्स की डिमांड थी कि ये बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करवा दिया जाए क्लास 12 के भी। लेकिन जो आफ्टर मीटिंग के बाद 12 के एग्जाम को कैंसिल नहीं करवा सकते हैं लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया है और इसकी जो डिसीजन लेंगे अब यहाँ पर जून 1 तारीख के बाद यहाँ पर डिसीजन लेंगे जिस तरीके से सिचुएशंस होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो मीटिंग बैठे हैं ये बस ना ही कि सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम है लेकिन ये जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी सारे स्टेट की जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके ऊपर सब ये मीटिंग को बैठा कर डिसीजन को लिया गया है। इसकी तरफ से एक अलग सा एक बोर्ड एग्जाम की गाइडलाइंस बनाई जाएंगी और सेवरल स्टेट्स को यहाँ पर बता दिए जाएंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स को लेना है या नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो क्लास 10 की स्टूडेंट्स हैं अगर उनके जो रिजल्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया प्री बोर्ड के एग्जाम को मार्क्स लेकर उनके प्रिपेयर होंगे, कोई भी स्टूडेंट अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो मार्क्स से तो उस स्टूडेंट के पास यहाँ पे एग्जाम में वो फिर से बैठ सकते हैं, अपने एग्जाम को दे सकते हैं और एग्जाम को जो है इंप्रूव कर सकते हैं जिस तरीके से लास्ट ईयर यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने हुआ था। तो यही न्यूज़ थे, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।